एयर कूलर में स्विंग मोटर की जांच प्रक्रिया। आइए इसके संभावित विधि को समझते हैं। स्विंग मोटर सिंक्रोनस मोटर है जो एसी 220 वोल्ट के माध्यम से संचालित होती है। इसमें दो तार होते हैं और वो सीधे स्विंग स्विच से जुड़े होते हैं। स्विंग स्विच एक सामान्य ऑन ऑफ स्विच है जो एसी वोल्टेज को स्विंग मोटर से जोड़ने या फिर डिस्कनेक्ट करने के लिए जिम्मेदार है। स्विंग मोटर का रेजिस्टेंस मान 3 से 5 किलो ओम के बीच होता है, जो क्लैंप मीटर के माध्यम से माप सकते हैं, और क्लैंप मीटर रेजिस्टेंस मोड पर होना चाहिए।